ओके, बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने कहा एक चीज़ आपको इन्फॉर्म करते हैं कि जो फेज सेकेंड एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड मैंने कहा इन्फॉर्म कर देता हूँ आप सभी को। तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक DPGD के लिए एक अपडेट था आप सभी के लिए। अपडेट क्या था, जो आप फेज सेकेंड का सेंटर चूज़ करते हो, बेसिकली होता क्या है कि इनके 6 ही सेंटर हैं ऑफिशियल वाले जो हैं, उसी सेंटर पे आपका फेज सेकेंड एग्ज़ाम होता है। और देख सकते हैं यहाँ पे आपका फॉर्म फिलिंग इस समय चल रहा है, CGPT का स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इंटरफेस पे भी फ्रंट में ही दे रखा है। तो हम चलो इसी में चलते हैं और आपको सेंटर बताते हैं कि आपको कौन सा सेंटर चुनना चाहिए। वैसे मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सेंटर आपके हाथों में नहीं होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड ही चूज़ करके देता है, लेकिन एक प्रेफरेंस जो आपकी होती है, जो फिल करने के लिए प्रेफरेंस आती है, वो यहाँ पर जो मांगा जाता है वो आप क्या फिल कर सकते हो। तो सेंटर सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो अपने के लिए यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। एग्जामिनेशन सिटी, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो किस सिटी में होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐसे। स्टेट फर्स्ट रिटर्न एग्जामिनेशन पे पहले देख लेते हैं, स्टेट फर्स्ट रिटर्न एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा। सब आप सभी से मतलब आपकी प्रेफरेंस मांगी गई हो, इफ़ यू कम फ्रॉम वेस्टर्न जोन, छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दमन एंड दीव, देन आपको आपके उधर पेपर देने को मिल जाएगा पास के, जैसे ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न जोन की, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, मतलब हर एक स्टेट का यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये नॉर्थन जोन में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे यूपी की बात कर लेता हूँ, तो यूपी के लिए आगरा में सेंटर, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, झांसी, अलीगढ़, मेरठ, ये आप सभी के सेंटर ज़रूर होंगे, ठीक है। वहीं पे राजस्थान का दे रखा है जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, गंगानगर, तो ये तो आपके सेंटर होंगे जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ये तो फेज़ फर्स्ट का हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मोस्टली कॉमनली मतलब हो ही जाता है कि आपको आपके पास में, आपको क्लोज में आपको सेंटर मिल जाता है। लेकिन सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको फॉर्म फिलिंग करते टाइम कौन सा सेंटर फिल करना चाहिए, तो हम यहाँ पे मॉक टेस्ट पे क्यों जा रहे हैं, एग्जामिनेशन सिटी जो डिस्ट्रिक्ट सेकंड PFTN मेडिकल एग्जामिनेशन पे जाते हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे फेज सेकंड एग्ज़ाम के रिव्यूज शेयर किए हैं, वो फिर आपका गांधीनगर हो, चेन्नई हो, या चेन्नई मतलब वाइजैग, उसे भुवनेश्वर बोला जाता है, मतलब चेन्नई हो गया वाइजैग भी बोला जाता है, उसका पोर्ट ब्लेयर हो जाता है, मुंबई, कोची, मैंगलोर हो जाता है, कोलकाता हो जाता है, और नोएडा हो जाता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वैसे सेंटर का तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सिंपल सी बात है, फेज सेकंड एग्ज़ाम में आपको रनिंग के लिए मिलते हैं 7 मिनट, फेज सेकंड एग्ज़ाम में रनिंग के लिए आपको मिलता है 7 मिनट, और 7 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करना होता है, और पुशअप्स वही करने होते हैं। फिजिकल ईजी होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का, मेडिकल एग्ज़ाम आपका जस्ट होता नहीं है। फेज सेकंड एग्ज़ाम में बस एक ही चीज़ होती है जिसमें कैंडिडेट आउट हो जाते हैं, और उसी में वो डॉक्यूमेंट्स को लेके कन्फ्यूज रहते हैं, तो आउट किस में होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को लेके आउट हो जाते हैं। अब आपने अगर डॉक्यूमेंट्स सही से और अच्छे से अपलोड किए हैं तो आपको आउट होने की वहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं, और आप आउट नहीं होगे, वो फिर आप किसी भी जोन से कहीं से भी बिलोंग करते हो ऑल ओवर इंडिया, और आप किसी भी सेंटर के लिए अप्लाई करते हो। अब मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे कैंडिडेट का जो अलग अलग डाउट है कहाँ का फिल करें, जैसे कि कोलकाता का आ जाता है, अब यूपी से बिलोंग करते हो कोलकाता कभी मत फिल कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बेहतरीन नहीं होगा, आप नोएडा ही सेंटर आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। उसके बाद पास का, जितना पास का वैसे गांधीनगर फिल कर सकते हो, चेन्नई फिल कर सकते हो, अपने पास का रखो, पोर्ट ब्लेयर थोड़ी फिल कर दो, ओके, सिंपल सा। तो यहाँ पे बेस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली नोएडा का, जितने यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट हो आप सभी भाई साहब, आपको यही सेंटर को फिल करना है नोएडा, और किसी सेंटर या दूर के सेंटर में मत फटकिएगा, या कोई आपको बता दे कि चेन्नई बहुत अच्छा होता है या ऐसा कुछ। कोस्ट गार्ड अपना प्रेफरेंस देता जरूर है, ठीक है, लेकिन वो आपके मतलब वो सीट के ऊपर होता है, जैसे एक दिन की सीट होती है ना फेज सेकंड एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा प्रेफरेंस हो जाता है तभी हो जाता है, जैसे सेंटर कहीं कहीं पर फिल हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं, तो फिर आपको दूसरी जगह भेजा जाता है, अदरवाइज आपका वहीं पर होता है। तो आप सभी ऐसा करिएगा, आप अपने क्लोज का ही चुनिएगा फॉर्म फिल करते समय, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी देख सकते हो आप सभी के लिए यहाँ पे प्रो करके परीक्षा पे एक टेस्ट सीरीज़ आई है, जिसका प्राइस यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, CHSL आ जाएगा, SSC स्टेनोग्राफर, इसमें जितने भी एग्ज़ाम है ना सारे के सारे एग्ज़ाम का आ जाएगा। हम इस पे आएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कोड का ऑप्शन आ रहा है, अपना कोड ऑनलाइन ED50 फिल करेंगे, ONLIN ED50, और हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो टेस्ट सीरीज़ का प्राइस जो है वो यहाँ पे घट के कम हो जाएगा। अच्छा, ONLIN D40 आपको अप्लाई करना है, ONLIN D40 अप्लाई करना है, ONLIN D40, ठीक है, ये अप्लाई किया हमने, ठीक है, ये अप्लाई किया हमने,
और देखो टेस्ट सीरीज़ का प्राइस हो गया 300 रुपीज़। ये तो SSC वाले सेक्शन मैंने आपको करके दिखाया। आप किसी भी सेक्शन में जाके, आप यहाँ पे SSC की जगह पे जाके कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो, ठीक है, डिफेंस कर सकते हो। यहाँ पे हमने डिफेंस किया, डिफेंस में आएंगे और यहाँ पे जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, जितने भी टेस्ट हैं, सबका प्राइस देख सकते हो, उतना ही दिख रहा है, ठीक है। कोस्ट गार्ड हो, एयरफोर्स, नेवी, हर एक का टेस्ट सीरीज का प्राइस उतना ही दिख रहा है। हम ज्वाइन पे आएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कोड फिल करेंगे, कोड फिल करेंगे ऑनलाइन D50, ऑनलाइन D40 स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज यहाँ पे जितने भी टेस्ट सीरीज हैं या फिर जो भी टेस्ट सीरीज आएगी वो आप सभी को मतलब मिल जाएगी। इनका नया आया है तो मुझे, मैंने कहा आप सभी को रिकमेंड कर देते हैं। कोई डाउट या क्वेरी आ रही हो तो कमेंट में बता दीजिएगा तो क्लियर कर दी जाएगी। बाकी वीडियो देखने लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।